ब्रांड के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन, छोड़ा महागठबंधन का साथ, थामा बसपा का दामन। कटिहार में लगातार हो रही बारिश से लोगों का जीवन हुआ अस्त व्यस्त, बाढ़ पीड़ित परिवारों ने की सरकारी राहत की मांग। मुंगेर पुलिस की कार्रवाई में चार अपराधियों को किया गया गिरफ्तार, चार पिस्टल, एक कट्टा और 14 गोलियां बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। रालोसपा चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने नया मोर्चा बना लिया है। कुशवाहा ने मायावती की पार्टी बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है, लेकिन इस दौरान कुशवाहा ने तेजस्वी पर बड़ा अटैक किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने इस दौरान तेजस्वी और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। कुशवाहा ने कहा कि 15 साल पहले और आज के 15 साल वाले दिन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राष्ट्रीय जनता दल इस तरह से नहीं चलता जिस तरह से चल रहा है। आम लोगों में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व के बीच कुछ न कुछ है मामला, जिसके चलते राष्ट्रीय जनता दल इस रूप में तमाम जो उनके साथ सहयोगी लोग थे, जितन राम मांझी जी के साथ, बाकी और जनता के साथ, तो इनका यही रवैया चल रहा है। आज की तारीख में जरूरत इस बात की है कि दोनों गठबंधन से अलग बिहार की जनता आज नया विकल्प चाहती। लगातार बारिश के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वैसे तो कटिहार जिला वासी हर साल बाढ़ की कहर का सामना करते आ रहे हैं, मगर इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। कटिहार जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर मधुरा पंचायत की यह पंचायत नगर निगम से बिल्कुल करीब है, मगर यह पंचायत हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाता है। अब बाढ़ पीड़ित परिवार सरकार और जिला प्रशासन से सरकारी राहत की मांग कर रहे हैं। कब से घुसा हुआ है पानी आप लोगों के? पानी कम से कम जो है आज 10 रोज से जाएगी, हम लोग दिक्कत में रहते हैं और बारिश उरिश से भी बहुत परेशान है हम लोग, और घर द्वार डूब गया, रोड पर हम लोग रहते हैं। तो सरकार के कर्मचारी वगैरह कोई आए जांच में? यहाँ जांच पड़ताल करने के लिए कोई नहीं आया है। वार्ड में भी 500 घर में कम से कम पानी अभी घुस गया, पानी बढ़ ही रहा है, ठीक है। उसके बाद अभी घर से बेघर है, भी कोई घर में नहीं रह रहा है, ठीक है। उसको खाना पीना का भी दिक्कत हो रहा है, रहने का दिक्कत हो रहा है, उसको अभी चाहिए सूखा राशन, पोलोथिन का व्यवस्था होना चाहिए। पानी घुसा हुआ आज, पानी 12 दिन हो गया घुसने से। हम लोग को खाना पीना रहने का कोई व्यवस्था नहीं, बाल बच्चा लेकर को हम लोग रोड पे रहते हैं 10 दिन से। हाँ। तो फिर कैसे रह रहे हैं? हम लोग बहुत परेशानी में रह रहे हैं, पानी बढ़ गया है, घर द्वार डूब गया है, रोड पे है। क्या स्थिति है यहाँ अभी? पूरे बाढ़ पानी है, देखते हैं, हम लोग परेशान है पूरा, कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है। 12 रोज से पानी घुस गया है, मतलब कि कोई देखभाल करने के लिए नहीं आ रहा है। क्या हाल है आप लोगों का? घर द्वार डूबी गलो छा, बच्चा से भूखलो छा, खैर नहीं छा कुछ, रोठो पानी घुसा हुआ आपके? हो गया कम से कम 10-15 रोज हो गया, 15 दिन से पानी। हाँ। घुसा पानी घुसा हुआ आपके यहाँ? इधर 15 रोज से पानी घुसा है, 15 दिन से जी। पूरा घर उर में पानी घुसा हुआ है? हाँ। बिहार में बढ़ती बेरोजगारी के मद्देनजर बिहार के लोगों के लिए स्वरोजगार हेतु पटना के दो युवाओं ने लघु उद्योग के जरिए लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई शुरुआत की है। बेरोजगार और गरीब लोगों को अब किसी और की नौकरी करने की जगह खुद को कारखाने का मालिक बनाने का अथक प्रयास किया जा रहा है। ये जो हम लोगों ने कहा है लोगों से कि बिहार के लोग अब बाहर नहीं यहीं बाहर लाएंगे, इसका बिल्कुल साफ मतलब ये है कि जो भी यहाँ के लोग प्रतिभाशाली लोग हैं या जो बेरोजगार लोग हैं जो अन्य राज्यों में जाकर दर बदर भटकते हैं या उनके बहुत सारे राजनीतिक हिस्सों का सामना करना पड़ता है, तो वो अब बंद होगा, अब यहीं का यहाँ बिहार के लोग यहीं रहेंगे, यहीं काम करेंगे, और इसीलिए हम लोग उनको बहुत सारी चीज़ों में उनको स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं। मोकामा प्रखंड कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय पोषण मास समारोह काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मोकामा में राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को पोषक तत्वों के सही इस्तेमाल की जानकारी भी दी गई। समारोह के दौरान कम लागत में उचित पोषक तत्वों के प्रयोग की जानकारी भी दी गई। इस बाबत एक प्रदर्शनी स्टॉल भी लगाया गया। हम लोग ने सब अभी राष्ट्रीय पोषण माह मनाया, इसमें प्रखंड के प्रखंड विकास अधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रमुख माननीय प्रमुख मोदी जी, चिकित्सा पदाधिकारी, बाकी सभी विभागों ने सहयोग किया
आए, हम लोगों ने उनको अच्छी तरह से कार्यक्रम को उद्घाटन किया और फिर एक परामर्श केंद्र खोला, पोषण परामर्श केंद्र। उसमें हम लोगों ने बताया कि कैसे हम लोग कम खर्च में भी पोषण के तत्व का ग्रहण कर सकते हैं। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर की गई कार्यवाही के दौरान चार अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने चार पिस्टल, एक देसी कट्टा और 14 गोलियां भी बरामद की है। बता दें कि मुंगेर पुलिस की कार्रवाई में बरामद सभी हथियारों को रांची ले जाया जाना था, लेकिन पुलिस ने सभी हथियारों को जब्त कर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने दी है। मधुबनी के बेनीपट्टी क्षेत्र के मकिया पुल के निकट सड़क जाम करने वाले लोगों को अपने अधिकार मांगने के एवज में एफआईआर की सौगात मिली है। बता दें कि 26 सितंबर को विशनपुर पंचायत को पूर्णतः बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित करने को लेकर मकिया पुल के निकट पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद कोविड-19 और आचार संहिता लागू रहने के बावजूद विधि व्यवस्था भंग करने का आरोप लगाते हुए बेनीपट्टी सीओ पल्लवी गुप्ता ने 3 दर्जन नामजद और 5 दर्जन अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। प्रशासन हाय के मुखिया लखीसराय जिले के क्यूल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर मुख्य निकास द्वार के समीप से रेल पुलिस ने 17 मूर्ति के साथ एक मूर्ति तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में रेल डीएसपी इमरान परवेज ने बताया कि रेल पुलिस के द्वारा सघन जांच की जा रही थी, उसी क्रम में 17 मूर्ति के साथ मूर्ति तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पटना सिटी अनुमंडल के दनियावा फतुहा NH-30A पर दनियावा बाजार में एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक पर सवार 2 शिक्षकों को रौंद डाला, जिससे एक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची दनियावा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पटना भेज दिया। वहाँ पर जो पानी है ना, पानी किनारे में, तो पानी के चलते हम पानी में नहीं हेल करके खड़े हो गए, मोटरसाइकिल रुक गया। अच्छा, आप कहाँ जा रहे थे? हम आ रहे थे, जाना था के भाई, बड़ी के भाई जाना था। लगातार हुई बारिश के चलते पूर्वी चंपारण के तिरुवा इलाके के बंजरिया प्रखंड में चौथी बार बाढ़ ने दस्तक दे दिया है, जिस कारण यहां के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बता दें कि बंजरिया प्रखंड से एक तस्वीर सामने आई है, जहां लड़के वाले शादी करने नाव के सहारे तिरुवाहा गए, वहीं शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन दोनों नाव से ही घर लौटे। बता दें कि बंजरिया प्रखंड के लगभग 10 पंचायत में बाढ़ का पानी घुस आया है, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, अभी तो बिहार में चुनाव की घोषणा हो गई है, ठीक है, और डिजिटल जो है चुनाव होना है, सब लोग ये बात बोल रहे हैं, लेकिन आने जाने के लिए कितना परेशानी है आज के डेट में, जिसका हद हिसाब नहीं है। नाव से मतलब हम लोग गए, फिर आए भी है नाव से। कहाँ गए थे आज के डेट में? वो मोहम्मदपुर। शादी करने? हाँ, शादी करने। फिर आज विदाई कैसे हुआ? विदाई डंगी से ही हुआ। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर डमी मतदान केंद्र का उद्घाटन फीता काट कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी कौशल कुमार ने मतदान का शुभारंभ किया। पीपीई किट कर्मी सामाजिक दूरी के साथ चुनाव ड्यूटी में दिखे। बूथ के प्रवेश द्वार से मतदान प्रकोष्ठ तक जाने के लिए जिन जिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसका बकायदा पूर्वाभ्यास किया गया। खुद जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने वोटर बनकर मतदान किया। मतदान कर्मियों का प्रथम ट्रेनिंग शुरू हो रहा है और ट्रेनिंग जिला स्कूल में और केंद्रीय विद्यालय में होगा,
आयोग का निर्देश है, चूँकि इस बार कोविड गाइडलाइंस के अनुसार मतदान केंद्रों पे अलग तरह की व्यवस्था रहेगी कोविड गाइडलाइंस को देखते हुए, इसलिए आयोग का डायरेक्शन है कि जितने भी ट्रेनिंग सेंटर सभी जगह एक मॉडल मतदान केंद्र बनाया जाए और सही प्रिसाइडिंग अफसर पोलिंग अफसर बताया जाए कि किस तरह कोविड को ध्यान में रखते हुए उसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मतदान होगा। उसी उद्देश्य से आज चूँकि कल से शुरू हो रहा था जिला स्कूल और केंद्रीय विद्यालय में एक आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है ताकि बिहार के एक और होनहार गले में फंदा डालकर आत्महत्या की। मुंबई में बेवक्त उसकी मौत हो गई है। जी हां, इस बार मौत का शिकार मुजफ्फरपुर का 26 वर्षीय अक्षत उत्कर्ष बना है। मौत की इस कहानी में एक बार फिर से फीमेल फैक्टर को जिम्मेदार बताया जा रहा है और मुंबई पुलिस पर घोर लापरवाही का आरोप भी लगाया जा रहा है। मौत को गले में फंदा डालकर आत्महत्या बताया गया है क्योंकि अक्षत उत्कर्ष को उसके अंधेरी वेस्ट स्थित आवास में फंदे से लटका हुआ पाया गया। प्रथम दृष्टया इस घटना को आत्महत्या बताया गया है, लेकिन परिजन इसके पीछे गहरी साजिश बता रहे हैं। मुंबई में रहता था, 27 तारीख की रात में फोन आता है कि उसने सुसाइड कर लिया, मतलब वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसने सुसाइड अटैक किया। जब हम लोग जब स्नेहा चौहान जो उसके को पार्टनर थी फ्लैट में, जब उसने कुछ विशेष जानकारी देने से इनकार कर दिया, तो हमने पहले कोकिलाबेन हॉस्पिटल के थाने में फ़ोन किया कि वहाँ पर जो थाने इंचार्ज होगा मुझे बताएगा कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। फिर कोकिलाबेन हॉस्पिटल के थाने इंचार्ज ने मुझे बोला कि नहीं, आप वहाँ पता कीजिए जहाँ पर वो बच्चा रहता था, वो थाना गया होगा उसके साथ में। फिर उसी ने मुझे इंस्पेक्टर पोटे का नंबर दिया। जब मैंने पोटे से बात की तो पोटे ने पहले बताया कि वो लाइव है और उसको पानी चल रहा है कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। फिर जब मैंने एक घंटे का फोन किया, जब हम लोग टिकट वगैरह बुक कर रहे थे मुंबई जाने क्रम में, उसी क्रम में जब मैंने उसको दोबारा फोन किया, उसने बोला कि इस नंबर वो मर चुका है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।